उमर एक्सपेरिमेंट। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कूलर। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक पीवीसी पाइप ले लिया है और इसको मैंने कुछ इस तरीके से मोड़ दिया है पिघलाकर। तो आपको भी एक कूलर की शेप दे देनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो, दूसरा पीवीसी पाइप का टुकड़ा है जो कि मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ताकि ये नीचे होकर यहाँ पर हम इसमें पानी भरने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से जो है हमें इसे लगाना होगा और अच्छी तरीके से चिपकाना होगा ताकि एक बूंद भी इसकी पानी की लीकेज जो है ना हो। तो चलिए जल्दी से जो है इसे चिपकाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, हमने जो है अच्छी तरीके से जो है इसे चिपका लिया है फेविक्विक से। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। तो इसके आगे जो है हमें जो है एक पंखड़ी लगानी होगी मोटर। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं याली यूज़ करने वाला हूँ। तो इसे लगाने से पहले यहाँ पर जो है हमें कुछ हिस्सा इसका कट करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो अच्छी तरीके से जो है इसे कट कर लेंगे, जो कि जितनी हमारी पंखड़ी है, जितनी बड़ी हमारी पंखड़ी है उतनी बड़े है हम जो है इसको आगे से कट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से जो है कट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो अच्छी तरीके से हमने जो है दोनों तरफ से इसे कट कर लिया है, जिसमें आगे की तरफ हम पंखड़ी लगाने वाले हैं और पीछे घास लगाने वाले हैं। तो इसे जो है हमें जो है लीकेज हो सकता है क्योंकि हमने इसमें फेविक्विक लगाई है। तो हम लीकेज के लिए यहाँ पर देख सकते हो मैंने दो ट्यूब लिए हैं जो कि आपको ईजिली से मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों को निकाल कर जो है इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ इसके लगा देंगे तो लीकेज जो है बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो चलिए जल्दी से जो है इसे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है इस पर कूलर की बॉडी पर पेंट भी कर लिया है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और इस हाइट में यहाँ पर देख सकते हो ये डिज़ाइन भी बन गए हैं जो हमने जो चिपकाई थी इस पर। तो अब क्या करना है, इसमें जो है आगे हमें जो है मोटर लगानी है और पीछे इसके घास लगानी है। तो चलिए जल्दी से जो है लगाते हैं। Let's go.
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है हमारा कूलर बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऊपर एक पाइप भी लगा दिया है जो कि पंप के लिए लगा दिया है। तो अब सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पर बस वायरिंग करनी है। तो चलिए जल्दी से जो है वायरिंग कर लेते हैं, और इसमें हम एक पंप भी लगाने वाले हैं जो कि आपको ईजिली मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। तो यहाँ पर जो है अब जल्दी से जो है हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो कूलर है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर जो है मैंने पीवीसी पाइप की सीट लगा दी है। तो इसी बात पे यार वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए जल्दी से जो है कूलर को चलाकर देखते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हो ये रहा हमारा कूलर, और यहाँ पर देख सकते हो मैं पंप चलाकर आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है इसमें से पानी बिल्कुल निकल रहा है। तो देख सकते हो पूरा एक मिनट में पूरा ये गीला कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब चाहो है इसमें मैं पंखा भी चला कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है पंखा भी हमारा वर्क कर रहा है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से चला है, और काफ़ी तेज़ भी हवा रही है। मतलब मैंने जो है इसे बैटरी से चला रहा हूँ। तो आप चाहो तो इसे डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हो फाइव चार्जर लगा कर 5 वोल्ट का, तो वो काफ़ी तेज़ चलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बैटरी से भी काफ़ी तेज़ी चल रहा है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।